हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अगर आप बार बार जीएसटी कैलकुलेट कर रहे हैं, आप जीएसटी लगा रहे हैं, चाहे सी जीएसटी का लेजर हो, एस जीएसटी का लेजर हो, या एक्टिवेशन की प्रॉब्लम हो, हालांकि ये बातें कई बार हो भी चुकी हैं पहले, लेकिन फिर भी अगर आपका जीएसटी नहीं आ रहा है तो कहाँ गड़बड़ी है, आपको क्या करना चाहिए, कहाँ से क्या होगा, इन सारी बातों को आज देखने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में 100% गारंटी है कि आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम को। टैली प्राइम का एजुकेशनल मोड मैं यूज कर रहा हूँ, आप भी चाहे तो सीखने के पर्पज से एजुकेशनल मोड बेस्ट है, आप इसे tallysolution.com से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और सीखने के लिए बेस्ट है, ठीक है। अब आ गए हैं ये, यहाँ पर मैं इसे एजुकेशनल मोड में कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला काम कि हमें जीएसटी एक्टिवेट करना है, उसके लिए कंपनी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से क्रिएट कंपनी पर जाकर के और एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक नया फॉर्म खुलेगा और इस फॉर्म को हमें भर देना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ न्यू कंपनी शॉप, ठीक है, इसी नाम से हम कंपनी बना लेते हैं। ये कंपनी बना रहे हैं हम और यहाँ पर न्यू कॉलोनी देवरिया, आपका जो भी एड्रेस आता हो, लोकल एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस हो वो डाल दीजिएगा। कई बार स्टेट बच्चे छोड़ देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे स्टेट डालना कंपलसरी है, तो ये याद रखिएगा। तो हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है, ये हमने डाल दिया। और यहाँ पर जो है 274001 और यहाँ पे फोन नंबर जो भी हो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, बाकी ईमेल वगैरह आएगा ही आएगा, फैक्स नंबर आपका आएगा ही आएगा, मैंने यहाँ पे डमी रखा हुआ है, कुछ छोड़ दिया है। और यहाँ पे वेबसाइट का नाम आपके आएगा और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने की डेट आती है। जनरली हमारे यहाँ यानी हमारे इंडिया में 1 अप्रैल को ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, लेकिन अगर आप दुबई से, यूएई से या सऊदी अरब से बिलोंग करते हैं तो वहाँ 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। तो फिलहाल तो हम यही रखने वाले हैं, काम कब से शुरू हो रहा है वो डेट यहाँ पर आएगी, तो वो भी हमने दे दिया, एंटर कर दिया। एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया, जैसे एक्सेप्ट कराते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। अब ये नई विंडो कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मेंटेन अकाउंट्स ऑप्शन यस रखना है, इनेबल बिल वाइज एंट्री को भी यस रख लेना है। यहाँ पर आपको आना है टैक्सेशन वाले सेक्शन में और यहाँ पर आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस करना है और एंटर कर देना। जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ उत्तर प्रदेश आता है और यहाँ पे रेगुलर आपको रखना है, और यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आपका जीएसटी आई एन आएगा, तो जो भी आपका जीएसटी आई एन हो वो दे दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है ई इनवाइसिंग एप्लीकेबल रखना चाहते हैं या नहीं, तो अगर रखना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। एप्लीकेबल कब से होगा और बिल का प्लेस जो है वो आप दे दीजिएगा, तो कोई भी प्लेस जो आपका होता हो वो दे दीजिएगा, ठीक है। ई वे बिल देना ही देना है, आगे बढ़िएगा, एंटर करिएगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर भी आपको यस करना है, अगर आप इसको नो रखेंगे तो आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा, ये याद रखिएगा, तो इसको भी यस कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम जीएसटी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं या स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और ऑप्शन है शो मोर, तो यहाँ पे जाएंगे तो स्पेसिफाई इन वाउचर का एक ऑप्शन आता है, ये भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम स्पेसिफाई डिटेल हियर पे क्लिक करते हैं और एंटर कर देते हैं। यहाँ पर आपका 8 अंकों का HSN कोड आता है, तो यहाँ पर 8 अंकों का आपका HSN कोड डाल दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन डाल दीजिएगा और यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, यहाँ पर हम जाएंगे एंटर कर देंगे। टैक्सेबल यहाँ पर रखेंगे, बाय डिफॉल्ट 5% का जीएसटी लगा रहा हूँ, एंटर करके नीचे आइएगा। और यहाँ पर जो है एडजस्टमेंट करना है या नहीं तो छोड़ते हैं, इसको एंटर करते हुए आ जाते हैं नीचे और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। ये तरीका है जीएसटी को इनेबल करने का। अब जब आप परचेजिंग करेंगे तो उस समय ये जीएसटी आपको दिखाई पड़ेगी, जबकि आप लेजर्स वगैरह लगाएंगे। अगर नहीं दिखाई पड़ती है तो कहीं ना कहीं आपने गलती करी है, ठीक से एक्टिवेट नहीं किया है, तो पहले तो एक्टिवेशन सीख लीजिए, ठीक है। इसके बाद जब लगाना होगा तो हम कहाँ चलेंगे, परचेस वाउचर में चलेंगे। और जनरली हम पहले रिसीव कराते हैं जो भी कैपिटल होता है उसको, फिलहाल मैं इस वीडियो में रिसीव नहीं करा रहा हूँ, सीधा आते हैं जीएसटी पर, क्योंकि यहाँ पर अब आपको आना है परचेज में। तो ये आ गए F9 प्रेस करके परचेज वाउचर में। ध्यान रखना है कि आप जो है ये जो मोड है ये सप्लायर का डिटेल यहाँ पे आता है और नेम ऑफ आइटम आता है, तो आइटम इनवॉइस मोड में रहना है। अगर आप का मोड कुछ अलग दिख रहा है तो यहाँ पर देखिए चेंज मोड दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आपको आइटम इनवॉइस मोड में ही रहना है। सप्लायर ने आपको एक बिल दिया है, उस बिल की एंट्री कर लीजिए, यहाँ पर एंटर करिए। और यहाँ पर अब ब्लेजर्स को बनाने की बात आएगी, तो या तो आप गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए लेजर बना लीजिए, या तो यहाँ से भी बना सकते हैं टैली प्राइम में, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। यहाँ क्रिएट का ऑप्शन आ जाता है, एंटर करिए, लेजर यानी अकाउंट क्रिएट कर लीजिए जिसका भी क्रिएट करना है। तो जैसे मान लीजिए पहला जो लेजर बनाना है वो हमें किसका बनाना है, मान लीजिए हमें लेजर बनाना है क्रेडिटर पार्टी का, क्रेडिटर पार्टी यानी कि जिससे आप सामान खरीद के लाए हैं बेचने के लिए, ठीक है। तो उनका नाम है गौरव, क्या नाम है,
गौरव, तो यहाँ पे नाम हम दे देंगे गौरव इस तरीके से, और यहाँ पर सी लिख देता हूँ, इससे पता लगता रहेगा कि ये क्रेडिटर पार्टी है। एंटर करेंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, एंटर करेंगे। यहाँ पे एस प्रेस करता हूँ क्योंकि एस वाले सारे ग्रुप हमें हाईलाइट चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो गौरव है ये क्रेडिटर पार्टी है। तो यहाँ पे संडे क्रेडिटर का ग्रुप रख के एक ऑप्शन, इसको आप जरूर यस रखिएगा, इनेबल मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको आप यस रखिएगा, एंटर करते हुए आ जाइए। अब ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको देखना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो आप एंटर कर दीजिए, यहाँ आकर के एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। जब आप एक्सेप्ट कराते हैं तो इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा, अगर ई वे बिल की बात है तो ये सब भरना होना जरूरी होता है। और यहाँ पर एंटर करते हुए आ जाइए, इनका जो जीएसटी आई एन है वो जीएसटी आई एन यहाँ पे डाल दीजिएगा, फिलहाल डमी जीएसटी आई एन डाल रहा हूँ, और एंटर करते हुए यहाँ पर आ जाइएगा। अब यहाँ पर एक लेजर बनेगा परचेज का, क्योंकि हम परचेज में ही एंट्री पास कर रहे हैं, सप्लायर द्वारा दिए गए बिल की एंट्री हम कर रहे हैं। इसका ग्रुप होगा परचेज अकाउंट, ये सब चीजें ध्यान रखनी है, अगर इसमें गलती करेंगे तो जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस ऑप्शन को नॉट एप्लीकेबल ही रहने दीजिएगा, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में आपको एप्लीकेबल ही रखना है, बाकी सारी चीजें तो हो ही चुकी हैं, एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। अब यहाँ पे बनाना स्टॉक आइटम, तो आपके बिल में कौन कौन से स्टॉक आइटम है, जैसे राइस है तो यहाँ पे कर देते हैं बासमती राइस, ठीक है, यहाँ पे लिखा बासमती राइस आर आई सी, तो ये हो गया, एंटर किया। यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो यूनिट्स की बात आएगी, तो ये यूनिट्स में आकर के एंटर कर देंगे, और यहाँ पे सिंबल पूछ रहा है, तो बासमती राइस बिकेगा तो किलो में, तो यहाँ पे केजी कर दिया, यहाँ पे किलोग्राम लिख देते हैं फॉर्मल नेम इसका, एंटर करते हैं। यहाँ पे के प्रेस करेंगे तो किलोग्राम आएगा, एंटर करेंगे, और यहाँ पे थ्री करके एंटर कर देते हैं, और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट चाहे तो सेट कर लीजिए। सेट करने के लिए क्या करना है, यस कर देना है, और यहाँ पे खरीद रेट क्या पड़ी हमको, खरीद रेट पड़ी 2250 रुपये, मान लीजिए खरीद रेट पड़ी, ठीक है, हमने खरीदा तो 50 रुपये का पड़ा, ठीक है। अब हम बेचेंगे तो उससे ज्यादा का बेचेंगे, तो हम बेचेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस जो है 66 हमने दे दिया, यानी 66 का हम बेच देंगे, ठीक है, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। अब ये कितने किलो परचेस किया गया, 50 किलो, 50 किलो का 50 रुपये के रेट के हिसाब से 2500 रुपये का चावल हो गया। अब यहाँ पे जीएसटी की बात है, हमने चालू तो किया था लेकिन लेजर्स नहीं बनाए थे, लेजर्स के लिए अल्ट सी करके आप बना सकते हैं, या यहाँ पर देखिए क्रिएट का ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पर भी जाकर के आप वही काम कर सकते हैं, तो एंटर कर दीजिए वहीं पे जाके। पहले बना लेते हैं सी जीएसटी, ठीक है, एंटर किया, और यहाँ पे आएगा ग्रुप क्या, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टैक्सेस से संबंधित जो भी मामले हैं वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही जाते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस करिए, यहाँ पे जीएसटी करिए, यहाँ पे सी जीएसटी करिए, और यहाँ पे 0% रख के यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। लेकिन देखिए यहाँ पे आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा, तो अभी आप परेशान हो जाएंगे कि क्यों नहीं कैलकुलेट हो रहा, सब कुछ सही कर दिया अभी तक, जितने भी स्टेप बताए थे सब कुछ सही किया, तो यहाँ पे जीएसटी क्यों नहीं कैलकुलेट हुआ, क्योंकि हमारी क्रेडिटर पार्टी अलग स्टेट की है, इसीलिए यहाँ पे सी जीएसटी एस जीएसटी नहीं लगेगा। तो क्या करना है, आई जीएसटी लगाना, तो अल्ट सी करके आई जीएसटी लगा दीजिए, ये IGST लगा दिया, अब यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे GST, और यहाँ पे क्या रहेगा, IGST रहेगा, अब यहाँ पर ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये सब सावधानियां आपको रखनी है, अब IGST लगेगा तो ऐसा नहीं है कि इसके साथ कोई और लेजर लगाएंगे, नहीं, हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं द गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, तो बस ये आपको करना है। अब ऐसा नहीं कि आपको सेल्स में अलग से जीएसटी देना, सेल्स में भी यही जीएसटी लग जाएगी आपकी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर आप F8 प्रेस करके जाते हैं सेल्स वाउचर में, तो आप सेल्स करेंगे तो जैसे मान लीजिए कैश में ही सेल कर रहे हैं, तो कैश कर लिया हमने, एंटर किया, और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ सेल्स का लेजर बनेगा, वहाँ परचेस था, यहाँ सेल्स हो जाएगा, तो सेल्स कर दिया, और सेल्स का ग्रुप होता है सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे कर लीजिएगा सेल्स अकाउंट, एंटर करिएगा, यहाँ पे एंटर करते हुए आ जाइए, यहाँ पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी में एप्लीकेबल ही रखेंगे, बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी, एंटर करिए, और यहाँ बासमती राइस था तो हम लगा लेते हैं, हम 5 किलो बेचते हैं तो 66 रुपये अपने आप आ गया रेट ना, देखिए। और यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पे अब CGST SGST लगेगा क्या, यहाँ पर हमको कैश वाले लेजर में ध्यान देना होगा कि हमने क्या रखा था, जैसे ही कैश वाला लेजर लगाते हैं एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे CGST SGST ही लगाना होगा, ठीक है, यहाँ पर IGST नहीं लगेगा, देखिए यहाँ पर IGST करता हूँ तो नहीं कैलकुलेट हुआ, लेकिन यही CGST कर देंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा, देखिए कैलकुलेट हो गया, और अलग से जीएसटी देने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, ठीक है। और यहाँ पे SGST आ गया, एंटर किया, और यहाँ पे क्या करेंगे, SGST का ग्रुप होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे, और यहाँ पर आकर के, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसे जीएसटी ही रखना है, और यहाँ पर आएगा SGST, ठीक है, और एंटर करके इसे नॉर्मल राउंडिंग कर लेंगे, और नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए दोनों कैलकुलेट हो गया, देखना है। अब यहाँ पे द गुड्स हैव बीन
सोल्ड विथ कैश, बस इतना लिख के एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए। तो यही वो तरीका है, यही आपको करना है। जीएसटी में अगर कहीं से दिक्कत आती है तो इन लेजर्स को चेक करिए और आपको क्या करना है, देखना है कि आपने ठीक से एक्टिवेट किया है या नहीं किया है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और साथ ही साथ कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।